मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में चीट फंड कंपनी के निवेशकों को राशि वापसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 निवेशकों को 38,40,784 रुपए की राशि लौटाई गई। इस आदेश के पालन में 66 प्रकरणों में 97,99,53,236 रुपए की संपत्ति की नीलामी कर राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है। 73,23,74,734 रुपए की राशि की नीलामी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राप्त राशि में से कुल 69,503 निवेशकों को 38,08,67,687 रुपए वापस किया गया है और धन वापसी की कार्रवाई लगातार जारी है। सर, इसी क्रम में आज सर जिला बेमेतरा में कंपनी SPNJ के 108 निवेशकों को कुल 34,63,684 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है तथा कोरिया के ग्रीन इंडिया कंपनी के 14 निवेशकों को 3,77,000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है। चिट फंड निवेशकों के राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय टीएस बाबा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, चौबे जी, अकबर साहब, अनिल भेड़िया जी, भाई सिंह डेरिया जी और हमारे मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, विधायक साथीगण, सभी जिलों से दोनों जिलों से जुड़े हुए हमारे कलेक्टर, SP और विधायकगण, साथ ही हितग्राही भाइयों और बहनों, लगातार हमारी कोशिश रही है कि चीट फंड कंपनी की राशि वापस करें और इस दिशा में पूरे देश में ये पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़, जहां चीट फंड कंपनी में जो निवेश किए थे, जो पैसा लूट के भागे थे, उन सबको पहले तो हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी संपत्ति जब्त की, उसके बाद न्यायालय से आदेश लेकर कुर्की किए और जो राशि उपलब्ध हो रहा है उसे वापस हितग्राहियों को देने का काम हम लोगों ने किया है और इसमें सफलता मिली है और करोड़ों रुपया अब तक के हम लोग वापस कर चुके हैं। तो मैं आज जिन हितग्राहियों को पैसा वापस मिला, निवेशकों को पैसा मिला, उन सबको बधाई या शुभकामना देता हूं और यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। अभी और जिलों में इस प्रकार के नीलामी की कार्रवाई की जा चुकी है, दुर्ग जैसे वहां भी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी राशि वितरण करने की स्थिति में हम लोग होंगे। तो सभी निवेशकों को इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं।